नर्मदा तट गौरीघाट में गैर कानूनी तरीके से सड़क बंद करके पार्किंग बनाए जाने और पार्किंग शुल्क वसूले जाने का नर्मदा भक्तों ने जमकर विरोध किया। नर्मदा तट गौरीघाट में प्रतिदिन लगभग 25,000 से ज्यादा भक्त स्नान और दर्शन करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बीच सड़क पर बैरिकेडिंग कर पार्किंग शुल्क वसूलना प्रारंभ कर दिया। नर्मदा तट पर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग देखकर श्रद्धालुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले भक्तों से पार्किंग के नाम पर जबरन वसूली करने वालों से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तब उन्होंने नगर निगम से अनुमति होना बताया, लेकिन किसी भी तरह के अनुमति पत्र व ठेके की नीलामी संबंधी दस्तावेज न दिखाने पर श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया और अवैध वसूली का विरोध शुरू कर दिया। हंगामा होने की सूचना मिलने पर पहुंची गौरीघाट थाना पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स हटा दिए गए, तब लोगों का गुस्सा शांत हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी निविदा के नर्मदा तट पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली नहीं करने दी जाएगी। हम गौरीघाट निवासी हैं, क्षेत्रीय लोग हैं और हम लोग ये स्टैंड का विरोध करते हैं, क्योंकि से हमारे यहाँ गौरीघाट में ऐसे कई परिवार आते हैं जो घूमने या दर्शन करने के माध्यम से आते हैं, मगर उसके लिए ये क्या है, आप रास्ते से कोई आ रहा तो 20 रुपये 10 रुपये ये वसूली कर रहे हैं और ये सीधा सीधा ये कहा जाए लूटखोरी है। आदमी आ रहा है, आप उससे पैसा ले रहे हो और जहाँ चाहे वहाँ लगाने के लिए कह रहे हो और ये स्टैंड बना लिया आपने अपनी पर्सनल जमीन में, ये जानकारी नहीं है, मगर उनसे पूछा तो बोले हमारे पास नगर निगम से परमिशन है, ये है वो है। और हम लोग जो क्षेत्रीय गौरीघाट के लोग हैं, हम लोगों को आदेश दिया जाता 300 मीटर में कोई निर्माण नहीं होगा, मगर यहाँ आप पीछे देखेंगे यहाँ सही से निर्माण चल रहा है। यानी जो कहा जाए कि जो आदेश है वो केवल गरीबों और गौरीघाट वालों के लिए है, बाहर के जो लोग आए वो जो करें उनसे कोई लेना देना शिकायत नहीं। अभी क्या हुआ, अभी सुबह हम लोगों के जो बुजुर्ग लोग हैं टहलने या घूमने के लिए जो निकले, उन्होंने बताया बैरिकेड ऐसा लगाएगा कि ये रोड पूरी ब्लॉक कर दी। अभी ये लगाया था कि कोरोना के कारण यहाँ ये बैरिकेड लगाए गए हैं कि जिसमें गाड़ी नीचे ना जाए, मगर ये हटाया है प्रशासन ने, हटाया है अभी आके थाना प्रभारी जी ने, और वहाँ ऊपर ऊपर से जैसे ही आते हैं तो बस पहले 20 रुपये 30 रुपये ले लेते हैं और बस जाके खड़ी करो। तो ये हो गया, ये तो यह हो गया कि अब ये नर्मदा जी हमारी स्वयं ये नर्मदा हमारी माँ है, इसके दर्शन के अगर हम लोग यहाँ पैसे लेने लगेंगे तो फिर तो हो गया हम लोगों का। करीब एक हफ्ते से पहले तो 2 बांस लगा के ये लोग पार्किंग बनाए हुए थे, आज इन लोगों ने यहाँ से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, यानी पैदल आदमी को भी निकलने में तकलीफ हो, जिसका हम लोगों ने क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया। इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ स्टैंड का विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क अगर पार्किंग करे शासन तो ठीक है, और वो भी यहाँ के लोगों को विश्वास में लेके करे। शासन का अब तक का रवैया जो रहा है कि यहाँ के तीर्थ पुरोहित व्यापारी नाविक सैन समाज जो यहाँ की शुरू से आखिरी तक की व्यवस्थाएँ करते हैं, इनसे कभी आज तक किसी भी निर्णय के विषय में पूछा नहीं जाता, सिर्फ इनको आदेश दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो भी कार्य शासन करना चाहता है वो अधिकांश निर्णय फैल हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत से वास्ता होता नहीं है और कुछ भी ऐसे उलझलूल निर्णय कर दिए जाते हैं जो क्षेत्रीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। यहाँ गौरीघाट में हजारों लोग ऐसे भी आते हैं जो जेब में पैसा नहीं होता और साइकिल किसी की गाड़ी लेके आ जाते हैं और यहाँ भंडारे में पन्नी लेके अपना प्रसाद ले जाते हैं। कोरोना काल में यहाँ बड़ी विकट स्थिति से धंधा व्यवसाय की चल रही है। आज स्थिति ये है कि आदमी अपना पेट कैसे भर रहा है वो जान रहा है, और ऐसे समय में शासन का इस तरीके का निर्णय कि नर्मदा जी को दर्शन करने का भी अगर टैक्स लगने लगे, 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये ये टैक्स ले रहे हैं, जैसा कि रसीदें अभी हमने आपको लोगों ने भी दिखाई, छोटे छोटे बच्चे जो गाड़ियों से आए उनसे 20 रुपये तक की वसूली की गई, तो इस तरीके की वसूली इस समय मानवीता के विरुद्ध है। कोई ठेकेदार को दिया गया, ये ठेका किसी पांडे जी हैं और विश्वकर्मा जी, उनको चुपचाप दिया गया है जिसकी किसी प्रकार की निविदा या वो टेंडर नहीं हुआ और मिली भगत से, शासन की मिली भगत से।